भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने आज धरती की ऑर्बिट में दूसरी छलांग लगाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने बताया कि अब स्पेसक्राफ्ट 282 किलोमीटर गुणा 40,225 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। वो 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ चार बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदली जा रही है जिससे कि उसे इतनी रफ्तार मिल सके कि वो 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा को पूरा कर सके। इसरो का मानना है कि आदित्य L1 करीब 5 वर्षों तक सूर्य का बारीकी से विश्लेषण करेगा। हमारा सूर्ययान या आदित्य L1 सूरज से 14,85,00,000 किलोमीटर दूर और धरती से 15,00,000 किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 कक्षा में स्थापित हो जाएगा। ये सूर्य से लाखों किलोमीटर दूर जरूर रहेगा, लेकिन आदित्य L1 का अध्ययन भारत के आगामी मिशनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदित्य L1 के जरिए पहली बार में ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य मिशन के लिए कोई यान भेज लिया। इसके पीछे निस्संदेह वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत और लगन है। मिशन के शुरुआती दौर में ऐसी बातें भी थी जो आपको सुनने में बेहद अजीब लगे, लेकिन इन कामों ने मिशन को सफल बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक सौर मिशन के मुख्य पेलोड पर काम कर रही टीम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को परफ्यूम लगाकर आने की सख्त मनाही थी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के मुख्य पेलोड का निर्माण करने वाली टीम थी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की टीम। टीम में शामिल थे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स। इन लोगों के लिए काम के दौरान परफ्यूम या किसी भी प्रकार की सुगंधित चीज लगाकर आने की मनाही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इत्र का एक भी कण आदित्य के मुख्य पेलोड विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC को तैयार करने के शोधकर्ताओं के काम को बाधित कर सकता था। इसरो ने सौर मिशन आदित्य L1 के मुख्य पेलोड को तैयार करने के लिए बिल्कुल रोगाणु रहित वातावरण तैयार किया था। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस दौरान बेहद क्लीन रूम में काम किया, ऐसा रूम कि अस्पताल के ICU से 1,00,000 गुना अधिक स्वच्छ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम के दौरान टीम को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा या सावधानियां बरतनी पड़ी होंगी। टीम के प्रत्येक सदस्य को संदूषण से बचने के लिए स्पेसमैन जैसे सूट पहनने पड़े और यहां तक कि अल्ट्रासोनिक सफाई से भी गुजरना पड़ा। गौरतलब है कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जो रविवार सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से रवाना हुआ। ये फिलहाल सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए 127 दिनों की यात्रा पर है। क्या आपको वैज्ञानिकों के परफ्यूम ना लगाने के बारे में जानकारी थी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।